नाजरीन हजरात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब गौर फरमाएं, इसलिए काफिरों के त्यौहार में बल्कि इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन दिनों मुशरिकीन का त्यौहार हो और वो उन दिनों मिठाइयां खरीदते हो और उन दिनों उनके त्यौहार की निस्बत से सिर्फ मिठाई खरीदना, सिर्फ मिठाई खरीदना, यह भी कुफ्र है। जिन दिनों, जैसे कि आमतौर पर हिंदुस्तान में दिवाली वगैरह होती है तो मिठाइयां खरीद के तकसीम करते हैं, उस दिन उस त्यौहार की निस्बत से अगर कोई मिठाई खरीदेगा तो भी काफिर हो जाएगा। यह दीन है दीन, और दीन पर अमल करो, आधा तीतर आधा बटेर मजहब में नहीं चलता। लोग कहते हैं हमें जीना है, हम कहते हैं क्या मुजद्दिद अल्फसानी को नहीं जीना था? इसी जमीन पर मुजद्दिद अल्फसानी जिए हैं। क्या गरीब नवाज को नहीं जीना था? इसी जमीन पर गरीब नवाज भी जिए हैं, और जिस इज्जत के साथ तुम जी रहे हो इससे ज्यादा शान के साथ उन्होंने जिंदगियां गुजारी है। तो बहाने मत ढूंढो, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, ईमान सिर्फ इस्लाम ईमान है, और कुफ्र सिर्फ कुफ्र है, उसके दरमियान तुम कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। इसलिए अपने आप को बचाओ, प्रसाद खाने की इजाजत नहीं, गैर मुस्लिमों के त्यौहारों में जाने की इजाजत नहीं। वो दावत दें तो जितना बच सकते हैं उनकी आम दावतों से भी बचें, क्योंकि उनके यहाँ हलाल और हराम में कोई परहेज नहीं होता।